धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड जीसस, महिमा हो लॉर्ड जीसस, स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते हैं खुदा जी, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं। जिंदा प्रभु, पवित्र प्रभु, धर्मी साचा, सबों के लिए भाला, इस सुनाश्री धन्यवाद देते हैं। महिमा हो, 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 होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपके हजूरी में आए हैं, आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी, कृपा करके प्रभु अपना मुख है हमारी ओर फेरिए, हमारी सुनिए, अपने कानों को हमारे मुंह के वचन की ओर लगा करके हमारी सुनिए भी, ताकि प्रभु जी आज के लिए हमें आपकी ओर से अनुग्रह मिले, कि हम आपके अनुग्रह में चल करके आज आपकी ओर से वो आशीषें पाए, वो वरदान, हाँ, जो कि आज के दिन आप हमें देने के लिए रखे हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, आज हमें विशेष अनुग्रह चाहिए, आशीषें चाहिए, आत्मिक वरदान चाहिए, बरकत चाहिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अपने ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश दीजिए, अपनी सम्मति हमें दीजिए। धन्यवाद देते हैं, आप महान हैं, बहुत 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 महान हैं, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपयालु, अति करुणामय, अति समर्थ, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, यीशु नाज़री, आप बड़े बड़े चमत्कार करने वाले खुदा हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़ा बड़ा काम करता है, आश्चर्य काम करता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने का और बदलने का ताकत सामर्थ रखता है। हाँ, ताकत सामर्थ रखता है, बस आपका विश्वास उसके ऊपर अटल होना चाहिए, आपका भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपके लिए जो समस्या बहुत बड़ी है, प्रभु के लिए छोटी है। हाँ, प्रभु के लिए वो बहुत छोटी है। प्रार्थना कीजिए, किसी की मत सुनिए जो आपसे कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, प्रभु को छोड़ दे, प्रभु को भूल जा, अब तेरी परिस्थिति हालात चेंज नहीं होंगे, तू ठीक नहीं होगा, तेरा परिवार अशिक्षित नहीं होगा, तेरा काम नहीं बनेगा, तुझे जॉब नहीं मिलेगा, संतान नहीं मिलेगा, या ऐसी भी कोई चीज़ें हैं, काम है जो रुका है और आप भी सोच रहे हैं कि क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पे जिंदा खुदा के पास है, वो सब कुछ करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब होगा। हाँ, सब पे, जब आप पे लुका रचित सुसमाचार की पुस्तक 8:40 को पढ़ेंगे, उसमें आयर की बेटी के विषय में लिखा है, 49 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आयर का समस्या क्या था? उसकी बेटी बीमार थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया अपने घर ले जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखे और उसकी बेटी चंगी होकर के जीवित रहे। पर क्या होता है, जैसे ही वो
प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, देव ही उसकी बेटी मर जाती है, फिर भी वो चिल्लाता है यीशु यीशु, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है कि उसके घर से किसी एक ने आकर के उससे कहा कि अब गुरु को तंग मत कर, मत चिल्ला, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन फिर भी वो प्रभु को आवाज़ देता है, हालेलुया, ये जान करके भी कि मेरी बेटी मर चुकी है, ये जानते हुए भी प्रभु को आवाज़ देता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आपकी समस्या बड़ी है, लोग कहते हैं अब प्रभु से नहीं होगा, आपकी परिस्थिति हालात ठीक नहीं है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपसे कोई काम बन नहीं पड़ रहा है, नहीं बनता है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है, हर जगह का मार्ग बंद पड़ा है। मेरे प्रियो, तब पर भी आपको प्रार्थना करना है, प्रभु को पुकारना है, किसी की मत सुनिए जैसे आयर किसी की नहीं सुना, वो प्रभु को पुकारता रहा पुकारता रहा पुकारता रहा, प्रभु यीशु मसीह उसकी सुन लिए। जब उसके घर से किसी एक ने आकर के उससे कहा कि अब गुरु को तंग मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है, फिर भी वो प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु यीशु मसीह उसकी सुने और बोले अगर तेरा विश्वास है, 50 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तेरा विश्वास है तो तेरी बेटी बच जाएगी, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब कुछ नहीं सोचता, परेशानियाँ बढ़ते जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, लोग भी कहते हैं अब प्रभु को छोड़ दे, उसी वक्त प्रभु कार्य करता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आयर से बोला गया तेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन वो पुकारता रहा पुकारता रहा पुकारता रहा, प्रभु यीशु मसीह क्या किए, उसकी सुन लिए और उसको हियाव दिए, ढांढस बांधने के लिए बोले, क्या बोले, विश्वास कर तेरी बेटी बच जाएगी, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और ऐसा ही होता है, प्रभु यीशु मसीह आयर के साथ है, हाँ आयर के साथ है, उसके घर जाते हैं, उसकी बेटी खाट पर थी, उसके हाथ को पकड़ते और कहते हे बेटी उठ, उठ करके बैठ जाती है, आप किसी की मत सुनिए जैसे आयर नहीं सुना, अपनी परिस्थिति हालातों के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए कि इतना बड़ा है कैसे सब कुछ जल्दी ठीक होगा, ध्यान मत दीजिए, बस प्रभु यीशु मसीह की ओर, ताकि ये उससे कई गुना बढ़ करके प्रभु हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु पल भर में चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आकाश को देखिए, पृथ्वी को देखिए, समुद्र को देखिए, इसमें जो कुछ भी है देखिए, एक वचन बोला प्रभु और सब कुछ हो गया, वो बोला आकाश हो, आकाश हो गया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सूरज हो, चांद हो, आकाश में छोटे छोटे तारे हो, सब हो गया, एक एक वचन बोलता गया और सब हो गया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम सबों को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया राजा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वही परमेश्वर हमारे निकट है, उसी परमेश्वर के प्रेम में हम हैं, उसी परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़े हैं, विश्वास किए हैं, भरोसा रखे हैं, क्या वो हमें डूबने देगा, नाश होने देगा, हमारा कुछ बर्बाद होने देगा, हमारा कुछ नुकसान होने देगा, हमें चोट पहुँचने देगा, नहीं, हालेलुया, थोड़ा और धीरज धरिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आयर तो अपनी बेटी के मर जाने के बाद भी धीरज धरा, प्रभु पर विश्वास किया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, और प्रभु के महिमा को वो देखा। आप सब देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं सुधरेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस वक्त में भी, उस कठिन समय में भी प्रभु में धीरज धरना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता है।
फिर से शून्य से बना सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सब कुछ बिगड़ करके बर्बाद हो करके शून्य हो जाएगा ना, परमेश्वर चाहे तो फिर से शून्य से स्टार्ट करेगा और पूरा अच्छी तरह से बना देगा, जैसे आयुब के जीवन में वो किया। आयुब का सब कुछ खत्म हो गया था, शून्य, सब कुछ शून्य हो गया था, कुछ नहीं रहा। वो राजा था, उसके पास बहुत से दास दासियाँ थी, भेड़ बकरियाँ गधेया, उसकी बेटियाँ बेटे, उसके पास ढेर सारा, हाँ उसके पास ढेर सारा धन संपत्ति था, सब कुछ परीक्षा में खत्म हो गया। लेकिन फिर भी वो धीरज धारा और अपना भरोसा परमेश्वर पर अटल बनाए रखा। हालेलुया, उसका विश्वास प्रभु पर था, परमेश्वर पर था कि परमेश्वर मेरे ऊपर अपना दृष्टि किया है और हमेशा किया रहेगा। वो जानता था कि वो परमेश्वर की दृष्टि से अलग नहीं है, परमेश्वर का ध्यान उसके ऊपर है, जो भी हो रहा है परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है और आगे भी जो होगा उसी की मर्जी से होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए वो बोला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, हालेलुया, हमारा क्या है, हालेलुया, वही देगा फिर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपकी परिस्थिति, आपकी हालातें, आपकी समस्या, प्रॉब्लम, रोग बीमारी, चाहे कितनों भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर ध्यान ना दे करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोगों के बहकाने से मत भागिए। हालेलुया, प्रभु के मार्ग को मत छोड़िए, और भी प्रभु से लिपट जाइए। अगर प्रभु ठीक नहीं करेगा और अगर प्रभु सब कुछ नहीं बनाएगा तो कोई नहीं है जो ठीक कर सकता है और बना सकता है। यहाँ तक प्रभु लाया, आगे भी ले जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें जीवन किसने दिया है, बीते हुए जीवन को याद करना है कि हम कैसे थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बीच में कुछ हुआ तो प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु बीते हुए दिनों में हमें संभाला, आज भी संभालेगा और आगे भी संभालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो खुदा। तारीफ करते हैं प्रभु से, अनुग्रह की, हाँ अनुग्रह की से, जिनका भरोसा आप पर अटल है प्रभु, उनके जीवन में काम कीजिए। आप उनके जीवन से कठिन समय को, हम मुश्किल घड़ी को प्रभु जी, परिस्थिति हालातों को जाने दीजिए, बुरे वक्त को प्रभु जी जाने दीजिए, उनके जीवन से ख़त्म कीजिए प्रभु, अच्छा वक्त आने दीजिए उनके जीवन में, लाइफ में अच्छा समय, आनंद का, हर्ष का, उमंग का, सुख शांति समृद्धि का, ढेर सारे आशीष से बरकत, सफलता का समय आने दीजिए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर लो जीसस प्रभु, जो आप में धीरज धरे हुए हैं, ओ प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार करने पाए। जो कुछ के लिए धीरज धरे हैं वो चीज़ें पा करके प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार करने पाए, आपका तारीफ बड़ाई करने पर सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं राजा। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, महिमा हो प्रभु। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं। जितने प्रभु जी आज के दिन में इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों के जीवन की परिस्थिति और हालातें चेंज हो जाए, बदल जाए, कठिन समय खत्म हो जाए, बुरा वक्त उनके जीवन से निकल जाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आशीषें दीजिए पिता, जिनको जो कुछ की जरूरत है, आवश्यकता है प्रभु दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु, शोक विलाप को नृत्य में बदल डाल, निराशा को आशा में बदल डाल, उदासी को खत्म कर, सबों के दुखों को खत्म कर दे,
दुखों को आनंद में, सुख में बदल दे। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपकी तुल, आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। सहायता कीजिए। आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारा रचयिता, सहायता कीजिए। आकाश को बनाने वाले, पृथ्वी को बनाने वाले, समुद्र को और इसमें जो कुछ भी दिखता है, सबों को अपने वचन से बनाने वाले, हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से रचने वाले, हम सबों से अगम्य प्रेम करने वाले, हाँ अगम्य प्रेम करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए। मददगार खुदा, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर। स्तुति हो प्रभु से। बिगड़ी को बना, उलझन को सुलझा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समस्या का हल निकल जाए, समस्या का समाधान हो। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वो जिस समस्या में, फंदे में प्रभु फंसे हैं, उलझन में फंसे हैं प्रभु जी, केस मुकादमा में प्रभु जी फंसे हैं, कर्ज में है, मुसीबत में है, परीक्षा में है प्रभु जी, गड्ढे में है, बंदी गृह में, उसमें से उन लोगों को बाहर निकाल। कोई काम रुका है, उस कामों को स्टार्ट करके सफल कर दे। पैसा फंसा है किसी व्यक्ति के पास, उसे व्यक्ति के पास से पैसा निकाल दे। अनुग्रह का सैलरी रुका है, रुका हुआ सैलरी मिल जाए, जो कुछ के लिए अप्लाई किए हैं प्रभु जी, आने पर सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। जो कोई जो कुछ के तलाश में हो, जो कोई प्रभु, हाँ जो कोई जो कुछ की तलाश में है, उनका तलाश खत्म हो, वो सभी चीज़ें उन्हें मिलने पाए। सहायता कीजिए। आज एक एक को प्रभु जी खुशियाँ दे, हर्ष दे, आनंद दे, उमंग दे प्रभु। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आज चंगे हो करके प्रभु घर आने पाए। बिस्तर पर है, चल नहीं सकते, उठ करके चलने फिरने लगे। मेरे प्रिय, एक 38 वर्ष का रोगी खाट पर था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 38 वर्ष का रोगी, उस रोगी को प्रभु यीशु मसीह पल भर में उठा करके चला फिरा दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर जवाब दे चुका है, प्रार्थना कीजिए। प्रभु क्या करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको हर एक रोग बीमारी से छुटकारा देगा, आपको शांति की, सुख चैन की आशीषें देगा, आप फिर से चलेंगे फिरेंगे, प्रभु फिर से आपको जीवन देगा। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रार्थना में बिताइए। आप दुखी हैं, बीमार हैं, किसी ऐसी समस्या में फंसे हैं जहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा है, कोई काम रुका है, लगता है अब नहीं होगा, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ बनाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए भाई की बहन, जो कुछ के लिए प्रभु से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सभी चीज़ें इन्हें मिलने पाए। बीमारों को छू, चंगाई दे। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर अपनी सामर्थ आत्मा उढ़ेल दे, ताकि प्रभु से वो हमेशा के लिए प्रभु दुष्ट शैतान से, बुरी आत्माओं से स्वतंत्र हो जाए। सहायता मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद कि आप पे हमारी प्रार्थना को सुने। हमारे साथ जितने जन प्रभु आपको पुकार रहे हैं, उन सबों की सुने। कमेंट के माध्यम से जो हमें प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना के ऊपर आप ध्यान दिए, उत्तर भी प्रभु हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मददगार खुदा, धन्यवाद देते हैं। सुनाश्री आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु, सब लोग स्वस्थ रहे। खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से, बुरे दुष्ट करुण मनुष्यों से बचाइए, दुष्ट शैतान से बचाइए। धन्यवाद खुदा, आप सुने और उत्तर दिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन।